अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसआरके न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। शी टीम के 7 साल मुकम्मल होने पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वुमेंस पुलिस स्टेशन साउथ जोन में एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS और एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम्स एंड SIT शिका गोयल IPS ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर शहर के सरकारी और खानगी स्कूल्स और कॉलेज के तुलबा ने शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से मुखातिब होते हुए शी टीम्स के 7 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की और लड़कियों और ख़वातीन से अपील की कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स के ऐप्स को डाउनलोड करें। इस तकरीब में पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा पुलिस के दीगर स्टाफ ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं SRK न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए SRK न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। May I now invite Srimati Karuna to please welcome Ramulu Nayak Garu, Additional DCP Traffic. Intermediate and degree college graduates, including Ganesh Festival, a whooping 103 red-handed cases were booked against the trouble mongers are everywhere. May it be Sunday Funday program at Tank Bund, may it be Aaj Ka Shaam, Batukamma celebrations, Miladunnabi, Children's Park, People's Plaza, temples, malls, theaters, educational institutions. Sir, please, sir. DCP शी टीम्स सरीशा, एडिशनल DCP साउथ जोन रफीक और भिक्षम रेड्डी, वुमन पुलिस स्टेशन का स्टाफ और आप सब जो यहाँ पर आज आए हैं हमारे पास, तो आपके रंग बिरंगे और ये मुस्कुराते चेहरे देखकर आज हमारा ये पुलिस स्टेशन गुलजार हो गया है। तो जैसा कि शिरीशा ने, आज हम शी टीम की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के एक विजन से कि हैदराबाद सबसे महिलाओं के लिए सेफेस्ट जगह होनी चाहिए थी, उस विजन का रीज़न था कि शी टीम्स की शुरुआत करी गई हैदराबाद में 24 अक्टूबर को। तो आज टुडे 23 अक्टूबर हमारा ईव ऑफ द एनिवर्सरी है। टीम्स ने हैदराबाद को वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी बनाया है। आप सब के सहयोग से, आप सब के हेल्प से हम ये अचीव कर पाए हैं। इस 7 साल में शी टीम ने हजारों लड़कियों की मदद करी है और ये मदद तभी पॉसिबल हो पाई है क्योंकि आप लोग सामने आए। कहते हैं कि इमिटेशन इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो शी टीम को हैदराबाद में उसका सक्सेस देखते हुए पूरे तेलंगाना में अब शी टीम्स को रेप्लिकेट किया गया है और तेलंगाना ही नहीं, बहुत सी अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री में भी शी टीम्स को रेप्लिकेट किया गया है। ये दिखाता है कि शी टीम का सक्सेस, अगर कोई भी चीज अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी, जिस तरह से सीधे करो भाई। हैदराबाद सिटी पुलिस आज शी टीम्स फॉर्मेशन का 7th एनिवर्सरी इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हुए एक नया इनिशिएटिव
हमारे एडिशनल डीसीपी शी टीम्स शिरीषा और एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल के तरफ से ये इनिशिएटिव, जिसमें कि हर वेडनेसडे को एडिशनल डीसीपी शी टीम्स शिरीषा उनकी पूरी टीम के साथ वेडनेसडे को यहाँ चेलापुरा पुलिस कैंपस में इस तरह के लोगों को जो साउथ जोन में इस तरफ यहाँ के हैं, जिन्हें सैफाबाद जाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, उनके कन्वीनियंस के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर वेडनेसडे को 3 या 4 घंटे यहाँ रहेंगे ज़रूरत के मुताबिक। शी टीम्स का सक्सेस और सी टीम्स का डेडिकेशन, ये एक तेलंगाना पुलिस के लिए एक ब्रांड बनकर सामने आया है, और इस ब्रांड को देखते हुए दूसरे स्टेट्स में भी शी टीम्स के फॉर्मेशन हुए हैं। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के डायरेक्शन के मुताबिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट एजेंडा है, और इसीलिए आज हमारे इनिशिएटिव के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद सबसे सेफ और सिक्योर सिटी माना जाता है। लेकिन कितना भी शहर सिक्योर हो, कुछ न कुछ शरारती लोग, कुछ न कुछ क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग हर जगह रहते हैं, और ये आपका और हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग मिलकर उस तरह के क्रिमिनल माइंड वाले लोगों को एक्सपोज करें और उनको कानून के तहत सज़ा दिलाएं। क्राइम अगेंस्ट विमेन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे तजुर्बे के मुताबिक 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की लेडी तक का वो लोग विक्टिम हुए हैं क्राइम के, और क्राइम करने वाले भी 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग भी रहते हैं। तो इसीलिए ये जिम्मेवारी हम सब की है कि हमारे सोसाइटी में जो हमारे आसपास इंसान के रूप में जो भेड़िया रहते हैं उनको एक्सपोज करें, उनको सजा दिलाएं, और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद उससे आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के बाद ऑटोमेटिकली होता है एक्शन। तो आज जो ये 7th एनिवर्सरी पर चेलापुरा में जो एक नया इनिशिएटिव शी टीम्स के तरफ से लिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, अवेयरनेस के साथ लोगों में कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस से फिर एक्शन हो। हमारे तरफ से आज जितने भी लोग यहाँ आए, खास करके लेडीज़ लड़कियाँ, सबको सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उनके साथ हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। थैंक यू।